शिक्षक विकास मंच द्वारा रविवार को इंदौर प्रेस क्लब में शिक्षकों का सम्मान किया गया। इस कार्यक्रम में हिंदी साहित्य से जुड़े शिक्षकों का सम्मान हुआ। इस अवसर पर आईडी अध्यक्ष शंकर लाल वानी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल थे, जिन्होंने हिंदी भाषा को आगे बढ़ाने को लेकर शिक्षकों को प्रोत्साहन दिया। जो हिंदी को प्रोत्साहन देने वाले शिक्षक हैं, उनका सम्मान समारोह है। निश्चित तौर पर इस प्रकार का जो कार्यक्रम आयोजित होता है, उसमें हिंदी को प्रोत्साहन देने के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं, वो सराहनीय है। मैं शिक्षकों को बधाई देना चाहता हूँ, प्राचार्यों को बधाई देना चाहता हूँ। भाषा और संस्कृति कहने के लिए दो अलग शब्द हैं। वस्तुतः ये है कि एक के बिना दूसरा अधूरा है। संस्कृति की रक्षा करनी हो, भाषा को अलग हटकर नहीं किया जा सकता। इसलिए यदि भारतीय संस्कृति की रक्षा करनी है, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी मातृभाषाओं की रक्षा करें। और इस समूचे राष्ट्र में जो जोड़ने का काम करती है, वो हिंदी करती है। इसलिए हिंदी का विकास और हिंदी की रक्षा करने का अर्थ है हम भारतीयता की रक्षा कर रहे हैं, हम भारतीय संस्कृति की रक्षा कर रहे हैं। इसलिए जो संगठन इन कामों में लगे हुए हैं, उनको प्रणाम किया जाना चाहिए। आज 21वीं सदी के इस मोड़ पर अपनी भाषाओं को बचाए रखने की बड़ी भारी एक चुनौती हमारे सामने आ गई है। हिंदी विकास मंच ने ये कार्यक्रम हिंदी के उन्नयन की दिशा में कार्य करने वाले अध्यापक, प्रधानाचार्य एवं छात्रों के सम्मान के लिए आयोजित किया है। हिंदी भाषा जो हमारे देश की राजभाषा है, किन्हीं कारणों से इसको वो गौरव प्राप्त नहीं हो पा रहा है, और इस दिशा में हिंदी विकास मंच भी कार्य कर रहा है और साथ साथ ऐसी अनेकों संस्थाएं हैं जो इस दिशा में कार्यरत हैं। पर मूल समस्या जो है वो अभिभावक या जो व्यक्तिगत हैं कि उसमें अंग्रेजी के प्रति जो मोह है। सभी भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए, पर अपनी स्वयं की जो भाषा है वो इग्नोर नहीं होनी चाहिए। अगर हम हिंदी में अच्छे बोलचाल करते हैं, अच्छे हिंदी भाषा के शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो निश्चित रूप से हमारे जो आगे की जो प्रोफेशनल लाइफ है वो भी काफ़ी अच्छी रहती है।